सब्सक्राइब करो निडर आवाज टीवी नू ते ताजा। पिंड पूला विखे रेड करन गई पुलिस ते गैंगस्टरां ने किया हमला, एएसआई नू गोली मार के किया जख्मी। थाना भिखीवंड विखे एएसआई वजों अपनी ड्यूटी निभा रहे मलकीत सिंह ते गैंगस्टरां वल्लों गोली मार के जख्मी कर देण दा समाचार प्राप्त होया है। इस संबंधी पत्रकारां नू जानकारी देंदिआं जिला तरन तारण के एसएसपी धरूमन एच एन निबाले ने कहा कि थाना भिखीवंड के एएसआई मलकीत सिंह मोटरसाइकिल चोरी के केस विच पिंड पूले विखे पुछगिछ करन गए सी। जदों पुछगिछ करके पिंड तो वापस आ रहे सी तां उन्हां नू दो नौजवान बुलट मोटरसाइकिल ते मिले, जो कि एएसआई मलकीत सिंह वल्लों जदों इन्हां नौजवानों तो शक दे आधार ते पुछगिछ करनी चाही तां शकी नौजवानों वल्लों एएसआई नू गोली मार के जख्मी कर दिता गया, परंतु दलेर एएसआई ने जख्मी होने के बावजूद भी उन्हां दोनों नौजवानों विचों एक नौजवान नू काबू कर लिया, जबकि दूसरा नौजवान भज्जण विच कामयाब हो गया। उधर फड़े गए नौजवान की पछाण रशपाल सिंह उर्फ दौला पुत्र जोगिंदर सिंह वासी भुच्चर कला वजों हुई है, जिस ते पुलिस वालों परचा दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। गल हुई है जी रात हुई है रात नहीं सवेर की गल है, एक ना मोटरसाइकिल चोरी हो खेड़ थाने वो संबंध पता लगा ही तो मोटरसाइकिल चोरी के संबंध अं पूला पिंड गए ही मैं मेरे नाम रणजीत सिंह ही एक पी एच ई का जवान जदों अं चोरी वाला जोड़ा ना लगता वो घरों वापस आ रहा है तो शक पाया भी वह बंदे गलत ने दो बुलट मोटरसाइकिल मुंडे आ रहे जब उन्होंने रोकया तो वह उन्होंने मोटरसाइकिल भजाने की कोशिश की फिर वो छड़ के मोटरसाइकिल भज गए तो इस मुताबिक उन्होंने जो वो गोली चलाती उन्हें मेरे पट में लग गई। कौन थे वो बंदे जो बुलट मोटरसाइकिल के साथ वो बारे जानू नहीं है कौन नहीं एक बंदा उन्होंने तफ्तीश हो रही है अफसर दसणगे मैं वो बारे वाक बनी पास एरिए का बंदा है एक बंदा अरैसट भी किया गया अरैसट करके थाने लिया हाँ हम तुम की मांग करते जी नहीं मांग कोई नहीं बस बच गया जी नहीं मांग नहीं मतलब कि जड़े हाँ जी जो बंदा फड़िया गया रशपाल सिंह उनके कोल कोई रिकवरी भी हुई है रिकवरी मोटरसाइकिल उहदे होई है पिस्टल दी दो मैगजीन उहदे कोल हाँ जी मोटरसाइकिल किहना दा नाल ही मोटरसाइकिल उहनां दा बुलट है नाल ही इसमें हमारा जो नाइट ड्यूटी ऑफिसर है एएसआई मलकीत सिंह और उसके साथ एक पीएचजी जवान था ये दोनों एक मोटरसाइकिल की चोरी की इंफॉर्मेशन मिली थी तो उसके लिए सरपंच के फोन के ऊपर गांव पूला है वहां गए थे भिखीवंड पुलिस स्टेशन का ही एरिया है जब वहां से ये सारी वेरिफिकेशन करके वापस आ रहे थे तो इनको एक सस्पेक्ट बंदा लगा बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर और उन्होंने इसको बुलेट मोटरसाइकिल पे जो था उनको रोकने की कोशिश की उसने साइड में गाड़ी रोक दी जब इसने देखा बुलेट पे जो बंदे बैठे थे उसने पीछे वाले बंदे ने कि ये दोनों पुलिस मुलाजम हैं यूनिफॉर्म में हैं उसने उसके पास जो इलीगल वेपन था उससे इमीडिएटली इनके ऊपर फायर खोल दिया और 5 राउंड उसने फायर किए जिसमें से एक हमारा जो एएसआई है उसके राइट लेग में थाइस पे भी लगी है गोली आर पार हो गई थी तो उसके बावजूद हमारे मुलाजिम ने दोनों ने उस बंदे को गुथम गुथा मतलब इमीजिएटली पकड़ा जान की परवाह नहीं की उसके बावजूद उसको पकड़ के नीचे डाला और उसको ओवरपावर कर दिया। जो दूसरा बंदा उसके साथ था वो वहाँ से भाग गया। जो बंदा पकड़ा गया है वो है रशपाल सिंह दौला है भुचड़ कला विलेज का रहने वाला बेसिकली ड्रग्स स्मगलर हैं 2009 से ड्रग्स की स्मगलरी करता है और लास्ट नवंबर 2019 में ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से बेल आउट होकर बाहर आया है। इसके खिलाफ 7 केसेस तरन तारण पुलिस के पास रजिस्टर्ड हैं जिसमें से 2 302 के भी केसेस हैं एक आर्म्स एक्ट का भी पर्चा है और 5 NDPS के कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं। इसके अलावा इसके खिलाफ अमृतसर रूरल में SSOC अमृतसर और राजस्थान में भी ड्रग तस्करी के बहुत सारे केसेस रजिस्टर हैं जिसकी पड़ताल चल रही है। इसके बारे में हमने 159 नंबर FIR रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन भिखीवंड में अंडर सेक्शन 307 336 353 IPC आर्म्स एक्ट 25 27 59 1959 के तहत इसके खिलाफ FIR की गई है। हमारा मुलाजिम उसको इमीजिएटली हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था एंड ही इज फिट मैं उसको मिलके भी आया हूँ
जो दूसरा बंदा है उसके लिए हमारी सर्च चल रही है। सर इनसे कोई रिकवरी हुई आज जो पकड़ा गया? उनके पास एक इलीगल वेपन रिकवर हुआ है हाँ, और बाकी पूछताछ चल रही है। सर ये कितने जने? दो जने के जने? दो जने सीखे हैं, दो बंदे सीखे बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर। एक बंदा है का नाम है, दोनों बात चीज़ें तो फड़िया जाता है अकॉर्डिंगली दस आना बट परसन आइडेंटिफाइड है। एक रशपाल सिंह जिनों से फड़िया है, बहुत बहादुरी नाल अपने जो साढ़े जवान है PHG और जो साढ़े SI मलकीत सिंह, उन्होंने बहुत बहादुरी नाल गोली लगन तो बावजूद ये बंदों को फड़िया है। उन्होंने असी सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं पंजाब सरकार को कि वे इन्हों वधिया तो वधिया इनाम दिता जाए। ठीक है।